हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड जानकारी के लिए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ आपको समय से मिल सकें। दोस्तों, अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि 2022 में बीएड करने जा रहे, प्रवेश करने जा रहे सभी विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग की अपडेट और साथ ही साथ किस यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज हैं और उन कॉलेजों में कितनी सीटें हैं, यानी जहां पर ज़्यादा सीटें होंगी वहां पर आपको जल्दी सीट मिलेगी और जहां पर कम सीटें होंगी तो वहां पर कंपटीशन ज़्यादा होगा। इस बार विद्यार्थियों की भी संख्या ज़्यादा है, बहुत सारे लोग बीएड करना चाहते हैं, सीटें लिमिटेड होती हैं हर साल। तो चलिए चलते हैं अपडेट में। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर आप काउंसलिंग के लिए तैयार हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि बैंक के खाते का विवरण, क्योंकि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है काउंसलिंग के लिए, तो बैंक के खाते का विवरण आपको देना होगा। ये जो विवरण है, ये जो भी विद्यार्थी यानी जो भी उम्मीदवार है वो अपने पिता, माता या खुद के नाम से अपना बैंक के खाते का विवरण दे सकता है। अब जानकारी क्या देनी है, खाते का जो खाता संख्या है यानी अकाउंट नंबर, IFSC कोड हो गया, बैंक का नाम हो गया और शाखा, ये इसलिए मांगा जा रहा है कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो जो आपने फ़ीस जमा करी है, जो एडवांस कॉलेज फ़ीस 5,000 रुपये जमा होती है, वो आपकी इस अकाउंट नंबर पे रिफ़ंड कर दी जाएगी। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि 2022 में आहार परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए, दोस्तों इनके लिए उन्हें 2022 में उपस्थित होने की स्थिति में योग्यता परीक्षा की मार्कशीट की स्कैन, मार्कशीट जो है वो स्कैन कॉपी लगानी होगी, मतलब स्कैन करनी होगी। केवल मूल मार्कशीट ही स्वीकार की जाएगी। एक ऑप्शन और है, प्रोविजनल और इंटरनेट मार्कशीट तभी स्वीकार की जाएगी जब आप उसको कॉलेज से सत्यापित जो है प्रधानाचार्य या फिर विद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा उसको सत्यापित करवा लें। अच्छा, अब यहाँ पर ये पूछा गया है, हालांकि पूछा क्या गया है, कॉलेज की सूची आपको बता दें कुल सीटों के साथ में, कुल कॉलेज और सीटों के साथ में, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यही अपडेट मुझे आपको अच्छे से समझानी है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, विद्यालय जो भी हैं जो एडमिशन देते हैं, ये तो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन यूनिवर्सिटी के इतने कुल कॉलेज हैं और यहाँ से इतनी सीटें हैं, 4,325, ठीक है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से इतनी सीटें हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से सीटें, इतने कॉलेज हैं और 10,000 सीटें हैं, ठीक है। CSJM विश्वविद्यालय से 245 कॉलेज हैं और 12,000 सीटें हैं। अच्छा, इसके बाद में आ जाइए, MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी, यानी जो आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, कंडक्ट कराया और पूरी जिम्मेदारी है बीएड की, तो 139 कॉलेज हैं और 12,000 सीटें हैं लगभग। अगर देखा जाए तो CSJM यूनिवर्सिटी और जो बरेली यूनिवर्सिटी है, इनमें लगभग सीटें बराबर ही हैं। अच्छा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, यहाँ पर 8,150 सीटें हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, यहाँ पर दोस्तों कॉलेज ज़्यादा हैं तो सीटें भी ज़्यादा होंगी, सबसे ज़्यादा सीटें हैं यहाँ से। अच्छा, बुंदेलखंड में भी 93 कॉलेज हैं और सीटें आपकी लगभग 9,000 हैं, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, यहाँ पर जब कॉलेज ज़्यादा हैं तो सीटें भी ज़्यादा होंगी, सिंपल सी बात है। लखनऊ विश्वविद्यालय, यहाँ पर सीटें लिमिटेड हैं। अच्छा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैज़ाबाद, यहाँ से कॉलेज 206 और सीटें इतनी हैं। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं अपनी रैंक के अनुसार, उसी हिसाब से आपको सोच समझ के ही काउंसलिंग करनी है कि आपकी रैंक कितनी है और आपको कॉलेज पहली ही काउंसलिंग में मिल जाए, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। हालांकि अभी जो है आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा काउंसलिंग को लेकर के, तो काउंसलिंग जो आपकी होनी है वो 3 चरणों में होती है। पहला आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होती है, सेकंड आपका पूल काउंसलिंग, डायरेक्ट काउंसलिंग होती है। तो इस प्रकार से आपकी जो है काउंसलिंग होगी, पहले ही फर्स्ट राउंड वाले में ही आपके कई चरण हो जाते हैं, 4 चरण में काउंसलिंग फर्स्ट राउंड कंप्लीट होती है, मतलब सबका फर्स्ट राउंड में कंप्लीट हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये है कि वही एक से लेकर के लगभग आप ही समझ लो कि 90,000 स्टूडेंट जिसकी रैंक होगी वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग ले पाएगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग, फोर्थ राउंड काउंसलिंग, इस तरीके से टोटल 6 लाख प्लस स्टूडेंट हैं जो काउंसलिंग कराएंगे,
जो काउंसलिंग के पात्र होंगे वो काउंसलिंग करा पाएंगे, और सीटें आपकी 2 लाख प्लस सीटें हैं, यानी 2.25 लाख सीटें हैं। ठीक है, तो अपडेट आपके लिए ये कि काउंसलिंग की जो शेड्यूल है वो आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा और 15 तारीख के बाद से आपके काउंसलिंग शुरू होने की उम्मीद है। जय हिंद। अपडेट आपको सही लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, आगे आने वाली अपडेट के लिए लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।